नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। बहरियाबाद थाना परिसर में मुहर्रम पर्व के मद्देनजर पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। थाना अध्यक्ष राम निवास ने कहा कि कोविड-19 को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा ताजिया निर्माण और ताजिए को चौक पर रखने पर रोक की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर लोग जो भी करें घर पर करें। इस बैठक में SI होरिल यादव, दयाराम गौतम, वजीहुल हसन, शमी मुल वरा, सलीम अंसारी, दानी शवरा, अनी सुलवरा, मोहम्मद फरीद, अमजद खान, निसार अहमद, शारिब शादाब, अमीन अंसारी, संजू मतलूब अहमद समेत अन्य लोग मौजूद रहे। नंदगंज थाना क्षेत्र के देवगली तराव गांव के मध्य बने गांगी नदी पुल के पास शनिवार की सुबह एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कुछ लोगों ने तराव गांव के मध्य बने गांगी नदी पुल के पास एक युवक का शव देखा, जिसके शरीर पर चोट के कई निशान थे। मृतक की पहचान करंडा थाना क्षेत्र के ब्राह्मणपुरा गाँव निवासी संतोष दुबे के रूप में की गई है। कांग्रेस की तरफ से गाजीपुर के सभी 25 वार्डों में संगठन सृजन अभियान का कार्य जोरों से चलाया जा रहा है। इसी के संबंध में शनिवार को वार्ड नंबर 1 के पवहारी बाबा में बैठक की गई। इस मौके पर शहर अध्यक्ष सुनील साहू ने कहा कि सभी लोग BJP सरकार से त्रस्त हैं। इस मौके पर सह प्रभारी सचिव संजय साहू, कांग्रेस के प्रदेश व्यापार कोऑर्डिनेटर अनीश अहमद, विशाल गुप्ता, उमा शंकर गुप्ता, हरिनाम कैलाशनाथ गुप्ता, ओम प्रकाश, सुनील कुमार गुप्ता, सोनू गुप्ता, अवधेश साहू, किशन गुप्ता, सतीश गुप्ता, आदित्य गुप्ता, संजय साहू, अनुराग पांडे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राकेश राय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हिमांशु श्रीवास्तव समेत अन्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेंद्र गुप्ता और संचालन प्रवक्ता मीडिया प्रभारी मनीष कुमार राय ने किया। दिलदार नगर विद्युत उपकेंद्र में लगे 10 MV के 2 ट्रांसफार्मरों में बीते बुधवार की सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। इस वजह से दिलदार नगर सहित 48 गांव की बिजली गुल हो गई। अवर अभियंता तापस कुमार ने बताया कि केबल की वायरिंग कर ट्रांसफार्मर को सेट करने का काम शुरू कर दिया गया है। 24 घंटे के अंदर क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम राजबंदी पंडित विश्वनाथ शर्मा की 59वीं पुण्यतिथि मनाई गई। ये पुण्यतिथि विश्वनाथ शर्मा स्मारक समिति के अध्यक्ष विश्व मोहन शर्मा के सैयदपाड़ा स्थित आवास पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाई गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद राय, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रविकांत राय, वरिष्ठ अधिवक्ता राम पूजन सिंह, वरिष्ठ लेखक डॉक्टर PN सिंह, कवि बुद्धिनाथ मिश्र, डॉक्टर ऋचा राय, डॉक्टर राम बदन सिंह, मार्कंडे सिंह, गंगेश जी, राम अवतार ने भी अपना विचार व्यक्त किया। कार्यक्रम में भोला भगवती, भूषण, मिथिलेश, कृष्ण मोहन, प्रधानाचार्य राकेश मिश्र, ओंकार सिंह, नागेश सिंह, ब्रिजेश कुमार, धनंजय मिश्रा समेत अन्य लोग शामिल रहे। अध्यक्षता भोजपुरी कवि अनंत देव पांडे और संचालन पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर व्यास मुनि राय ने किया। अंत में संदीप शर्मा ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।